30 सेकेंड्स बाकी। जल्दी जल्दी पोजिशन लीजिएगा। आओ मंजीत आओ। चलेगा, 6 बज गए हैं और हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं प्लान से एज यूजुअल, जो कि पूरे 2 मिनट के लिए होगा। पोजीशन लीजिए और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। करिए जबरदस्त तरीके से बॉडी स्ट्रेट करिए। तुम्हें बॉडी स्ट्रेट करो, गर्दन सामने, लेग्स टाइट, एक मिनट हो गया, 1 more minute। करते रहिए। गुड, वेरी गुड गुनगुन, अर्षित राणा, कीप गोइंग। Nine, eight, seven, six,
Five, four, three, two, one. Well done. Object five के लिए बिल्कुल ready हैं. Same way. और कोशिश करेगा body को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की side raise. आम परपेंडिकुलर जो लोग पहले से कर रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब. जल्दी जल्दी संगीता फास्ट सीधा हमारे साथ Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Very good. बहुत बहुत बढ़िया. अब हम लोग सीधा रिवर्स प्लैंक दे रहे हैं जो कि फोर आर्म्स पे रहेंगे और आप बॉडी को लेफ्ट और राइट शोल्डर्स पर थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे. बॉडी पहले लिफ्ट करेगी और फिर लेफ्ट और राइट शोल्डर्स पर मूव करेगी ऑन फोर आर्म्स. जल्दी आओ अभिषेक. थैंक सर. अरे गुड मॉर्निंग. देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बॉडी को लिफ्ट किया एंड देन शोल्डर्स को उसको लेफ्ट और राइट मूवमेंट दीजिए. करते रहिए. जबरदस्त तरीके से बॉडी पहले लिफ्ट करिएगा. रिलैक्स करिएगा. ब्यूटीफुल. ऑलराइट अभिषेक कंटिन्यू करो. आप उसको कंटिन्यू करिए. आज की यात्रा बैक बेंडिंग की होगी अब जो कि आगे बढ़ेगी. रिलैक्स और आइएगा अब शुरुआत खड़े होकर. सीधा साइड बेंड ले रहे हैं आठ से नौ बार. स्ट्रेट आर्म्स legs में gap, legs बिल्कुल straight, fingers बिल्कुल straight, deep inhale. push करिए जबरदस्त. Thank you.
अपनी ही बॉडी लाइन को फॉलो करिए। अभिषेक अभिषेक बॉडी स्ट्रेट करो। अच्छा कैमरा रुक गया आपका। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ सिंक होना चाहिए। अभिषेक लेग्स में गैप कम कर लो दोस्त, लेग्स में गैप कम कर लो, शोल्डर्स के बराबर बॉडी अपनी लाइन में बैंड करो। वेरी गुड गुरप्रीत सिमरन, कंप्लीट करिए उसको, रिलैक्स हो जाइए, जस्ट बी रिलैक्स नाउ, बिल्कुल रिलैक्स। हम लोग सीधा फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं पहले, और जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो ताड़ासन लेगा रादर देन फॉरवर्ड बेंडिंग है। ये आइए फॉरवर्ड बेंडिंग लीजिएगा। मिनिमम गैप से आप लोग शुरुआत करेंगे। अब अगर बैक और नेक में पेन नहीं है तो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहां से शुरू करूं सर? जहां से जहां खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, यहीं से शुरू करिए। बिल्कुल धीरे धीरे गैप बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ाइएगा धीरे धीरे। जबरदस्त बॉडी वेट पूरा लेग्स पे शिफ्ट रखेगा। दो अंदर क्यों रहेंगे,
ट्रोमेगा बस और थोड़ा टाइम के बाद आप भी शुरू करेंगे कुछ करते रहिए जल्दबाजी मत करेगा अभी पूरे दो मिनट और हैं आपके पास गुड सुमेर बैलदाल सुमेर थोड़ा टोज अंदर की ओर कर लो तो बैलेंस बहुत जबरदस्त हो जाएगा बहुत बहुत बढ़िया गुनगुन क्या बढ़ाओ सुमेर बैलदाल Beautiful. Complete करेगा अगले 30 seconds में संगीता very good. आयुष gap बढ़ा सकते हो और maximum gap दो अपने लिए Alright. It's time to complete now. Abhishek, well done. Beta, bahut badhiya. Relax. Relax ho jaiye. Bahut hi behtareen tarike se aap logon ne kiya hai. Aur ab seedhe hum log ट्विस्ट लेंगे ट्विस्ट जल्दी से लीजिएगा सात से आठ बार ले डालो मेगा डीप इनहेल करो और डीप एक्सहेल करते हुए हाथों का लॉक लगाने की कोशिश करो मेगा करिए ट्विस्ट दीजिएगा लेग्स बिल्कुल फॉर्म रखनी है फ्लोर पे वेरी गुड संगीता ब्यूटिफुल पुश करते रहिए
करिए जबरदस्त कोश, आओ जल्दी आओ निशांत। करिए 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 जबरदस्त तरीके से। सात से आठ बार करेगा, कंप्लीट करेगा, बिल्कुल रिलैक्स। और अब एक रोटेशनल मूवमेंट है, पांच पांच बार करिए। इस्तेमाल करिएगा बॉडी को, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए। वेरी गुड, टाइट रखिए बिल्कुल लेग्स को, जल्दबाजी मत करिए और उसको कंप्लीट करिए। बहुत बहुत बढ़िया, तुम्हें निशान कर लो। ब्यूटिफुल, कंप्लीट करिए और रुकिए। रिलैक्स हो जाइएगा कंप्लीट करने के बाद, बी रिलैक्स नाउ। अब सीधे हम लोग आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट ले रहे हैं और जबरदस्त तरीके से लीजिएगा। आइए स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, गैप फिंगर्स में एंटी क्लॉक।
कैप 20 टाइम्स के बाद रिवर्स प्रॉपर 40 टाइम्स लेने के बाद रुकेगा के बाद आप लेंगे स्विमिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक के बाद बैकवर्ड स्ट्रोक रिलैक्स रहेगा दोनों तरफ लेने के बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड शोल्डर ब्लेड्स के लिए बैकवर्ड हिट करेंगे आप 15 टाइम्स बाजू बिल्कुल सीधी रखेगा नमस्ते मुद्रा लेने के लिए रेडी हैं कोशिश करेगा पांव को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करने की जबरदस्त तरीके से वो भी पाम से दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए और एल्बोस बैकवर्ड नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स आप हम लोग भस्त्रिका के लिए रेडी हैं और आज का जो भस्त्रिका आप लेंगे वो 2.5 मिनट के लिए लेंगे सीधे खड़े होकर गर्दन 90 डिग्री रहेगी और एक फोर्स और रिदम दोनों चीजें मेंटेन रखेगा बिगिनर्स विल कीप देयर आईज ओपन एंड देयर इज नो टाइम बाउंडेशन फॉर दैम अगले 30 सेकंड्स के बाद शुरू करेंगे हाथों का फैलाई से पीछे तरह से लॉक लगाइएगा पैरों में गैप रखेगा गर्दन आपकी 90 डिग्री रहेगी और आप लोगों का समय शुरू होता है आप
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Push karega zabardast. 2, 1. Done. Ready. Relax. Relax ho jaiye. पूरे 2.5 मिनट के लिए सुमेध, हमने लास्ट टाइम रेस्ट के लिए नहीं किया था क्या? वेरी गुड, तो यानी इस टाइम करना पड़ेगा. ढाई मिनट के लिए आप लोग रिलैक्स हो रहे हैं, उसके बाद सीधे कार्यक्रम शुरू. सुजाता, बैक और नेक में पेन बढ़ा तो नहीं कल की बात? तो अब बढ़ेगा, डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट देंगे. डेढ़ मिनट का समय और बाकी है, किसी को अगर पानी पीना है तो 2 से 3 घूंट पीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं. हाँ बोलो. बैक में पेन हुआ, रिस्ट में? अच्छा रे. कमाल. मैं बोल रहा था बैक नहीं करना हमें, बैक मिस. क्या क्या दोबारा बोलो? बैक नहीं करना सर हमें. हाँ बैक ही करना है, आज हम लोग बैक बेंडिंग ही करेंगे. हाँ ठीक है. लेट क्यों आते हो? लेट ये तो बता दो, माइक ऑन कर ही लिया है तो. सर यूएस के क्लाइंट्स के साथ रात में कॉल होती है तो 1-2 बज जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ तो बच कर भी थोड़ा सा. नहीं नहीं, मतलब ये फिरंगी हमें छोड़ेंगे नहीं. नहीं. चलो ठीक है, ओके. ऑलराइट, अगले 20 सेकेंड्स के बाद सीधे कोबरा पोज से हम लोग शुरुआत करेंगे. अब आगे की ओर 2 से 3 बार मिनिमम कोबरा पोज लेंगे और उसके बाद सीधे रिस्ट में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा. आपकी बाजुओं को ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है, अब सिर्फ रिस्ट की बारी बाकी रह गई है. तो चलिए बस तैयार हो जाइए, अब समय निकल गया है आराम का, समय कुछ कर गुजरने का आ गया है, आइए उसका आनंद लेते हैं. जिनको बैठते हैं वो पैरों में गैप रखेंगे, जिनको नहीं है वो 0 गैप लेंगे. चेस्ट लेवल पे दोनों हाथ रहेंगे, डीप इनहेल करते हुए अप, क्या था आज फिर से कर लो. हाँ लेकिन आज आपको ना कुछ अलग कराएंगे, थोड़ा एफर्ट तो देना होगा आपको. अगर इनके साथ ये नहीं करना चाहते तो फिर आप लैग स्ट्रेच ले सकते हैं, ये कर लो. ठीक है, आपकी मर्जी रहेगी. दो बार लेकर रुक जाइएगा, 15 सेकेंड्स कम से कम होल्ड करेंगे ऊपर जाकर, और बॉडी में कर्व होना चाहिए बजाय लिफ्ट करने के, करते रहिएगा.
दो बार करने के बाद उठ जाइए। एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही लीजिएगा, लेकिन अब की बार भी नॉर्मल हो जाएगी ऊपर जाकर, और टारगेट पूरा 1 मिनट के लिए होगा। प्रक्रिया बिल्कुल यही रहेगी, ऊपर डीप इन लेकर भी जाएंगे, लेकिन ऊपर जाकर ब्रीथ नॉर्म हो और टारगेट फॉर 1 मिनट पॉस्चर होल्ड, ब्रीथ नॉर्म हो। करिए डीप इन करते हुए आप, नॉर्मल करिए। नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, धीरे धीरे नीचे। चाइल्ड पोजीशन में रिलैक्स, जीरो गैप। रिलैक्स करिएगा, अब रिस्ट के लिए आप लोग काम शुरू करेंगे। जो अभी तक आपने किया इसका पूरा इस्तेमाल होगा, कोबरा पोस्चर में ही रिस्ट के लिए मूवमेंट्स होंगे। आइएगा अभिषेक, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये कार्यक्रम, अब तो आप बहुत इजी गोइंग रखिएगा। आपको मेरे हाथ नजर आ रहे हैं अभिषेक? ठीक है, तो पहला जो टारगेट है वो ये है, आउटर साइड आप रिस्ट ले रहे हैं, ये पहले देखना अभिषेक हर पोस्चर को हम दो बार करेंगे, आप पहले एक बार देखिएगा, दूसरी बार करेंगे। करिए डीप इनहेल करते हुए आप, पैरों में विषय कह करके संगीता करो, थर्टी सेकेंड्स के लिए पोस्चर होल्ड करते हैं। और सुमेर, और उसके बाद नीचे आते हैं, क्या आराम कर रहे हो ये?
बिल्कुल इसी तरह से एक बार फिर दूसरी बार भी लेंगे पोस्चर बिल्कुल ये रहने वाला है डीप इनहेल करते हुए आप होल्ड और जैसे गए हैं बिल्कुल वैसे ही चाहिए थर्टी सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करिए बैक को रिलैक्स करते रहिए इस बीच मजीद करते रहना कैमरा ऑन नहीं है आपका अब हम लोग दूसरे कंप्लीट करेगा आराम से आयुष दिक्कत तो नहीं हो रही है एक में या दोनों में सर एक में क्यों रोड वर्क चल गया है बस सुबह आपकी ना आवाज नहीं आती दोस्त के लिए मैं कह रहा हूँ सर थोड़ा चल गया सुबह सुबह वो Not able to understand. Hello. हाँ बोलो धीरे धीरे बोलो मैं ये कह रहा हूँ वो थोड़ा सुबह सुबह छिल गया चलो नहीं समझ में आएगा आपका ना ऑडियो कहीं प्रॉब्लम है चलेगा बस सेकंड के लिए रेडी है अभी आपकी पोजीशन ये थी अब पोजीशन अंदर हो जाएगी 180 डिग्री घुमा लीजिएगा रिस्ट को पाम स्पेस करेंगे स्काई के लिए चलिए गेट रेडी डीप इनहेल करते हुए आ सर अगर ये नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करिए करने तो पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा इसका करने का तरीका बदल देते हैं पूरा 180 डिग्री ना करके 90 डिग्री टर्न करिए सिर्फ रादर देन डूइंग दिस थोड़ा सा उसका इंतजार कम कर दीजिए अपने हिसाब से ये बहुत जरूरी है करना लेकिन थर्टी सेकेंड्स के लिए धीरे धीरे नीचे आइए सेकेंड के लिए रेडी है बिल्कुल इसी तरह से इसको रिपीट करने के लिए अंदर लीजिएगा मेगा इसमें दिक्कत आए तो हल्का सा बैंड कर लेना ऐसे कर लेना या तो एंगल दे देना तो थोड़ा इजी हो जाएगा या ऐसे कर देना जैसे भी आपको थोड़ा इजी फील हो जाए
Another game, second time, 30 seconds, get ready. Mega well done. Breathe normal kar do. Simran, good breathe, very good. Everybody is giving a good effort. रिस्ट को इतना मजबूत और इतना फ्लेक्सिबल बनाना है, बस ये निगाह में रखिए, नीचे आइए धीरे धीरे. फिर बैक को रिलैक्स करिए. बाद में अभी आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन बाद में रिस्ट बहुत लाइट फील होगी आपको. कंप्लीट करेगा थर्ड के लिए, थर्ड रिस्ट मूवमेंट के लिए अब हम लोग रेडी हैं. मेगा थोड़ा थोड़ा करना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए. ऑलराइट, थर्ड ये किया, ये किया, और अब हो जाएगा ये और मजेदार. डीप इनहेल करते हुए आप सेकेंड का टारगेट है. सिल्वर बेल्ट धीरे धीरे नीचे आइए जैसे गए हैं. Same way, all over again, repeat, position, deep inhale करते हुए up.
30 seconds. Five, four, three, two, one. रिस्ट बहुत अच्छा फील कर रही है. 30 से 40 सेकेंड्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स. फोर्थ के लिए रेडी. अब की बार ये थोड़ा इजी है पहले के मुकाबले. कर लो डीप इनहेल करते हुए आप. मेगा थोड़ा सा बैक, थोड़ा एंगल लो हाथ में, रिस्ट में बाहर की ओर, उससे इजी होगा थोड़ा. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. बडी फॉर स्टडी. वेल डन. नीचे आइए. ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए रिलैक्स. अभिषेक मजा आ रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है. और अच्छा लगेगा भी. इंतजार करो. सर इसमें एब्डोमेन में भी प्रेशर आ सकता है? वो तो कोबरा पोज की वजह से आएगा. एब्डोमेन में बड़ा प्रेशर आया लास्ट वाला पोज करते हुए, तो मैंने कहा पता नहीं एब्डोमेन पे प्रेशर क्यों. नहीं दैट इज इंडिपेंडेंट, वो उससे कोई रिलेशन नहीं है. वो आने दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं. आइए लास्ट इसे कंप्लीट करिए. लास्ट का मतलब इस मूवमेंट लास्ट नहीं है, इस सेगमेंट में ये लास्ट है. जल्दी आइए. जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे नीचे भी आएंगे. डीप इनहेल करते हुए आप. बहुत बढ़िया कर रहे हैं. नीचे आइए. थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स के लिए रिलैक्स.
के बाद लास्ट लास्ट ये सबसे मजेदार मोमेंट है, इसका पूरा आनंद लीजिएगा। आज इसको भी दो बार लेंगे। ऑलराइट, लास्ट मोमेंट है। अभिषेक जानते देखो, आप हाथ चले जाएंगे ये और जो बॉडी डालेंगे, क्योंकि आप जितना बॉडी वेट आप पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो डीप इनहेल करते हुए आप बॉडी बॉडी वेट पीछे लीजिए, पूरा लेफ्ट रिस्ट को लॉक कर दीजिए। बॉडी वेट पीछे की ओर शिफ्ट करिए। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चलता हुआ। ये बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट है। इसी में कहकर पाओ पोज करने लगी है। जैसे गए हैं वैसे ही नीचे आइए। चले यहीं पे इसको ब्रेक देते हैं। रिलैक्स हो जाइएगा। रिलैक्स होने का मतलब लेटना नहीं है, बैठना है और सीधा लेग स्ट्रेच लेके बैक को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। बैक में भी थोड़ा पैरेलल स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है इस दौरान पूरी, और फिर आप सीधे आसनों में बढ़ेंगे आगे। रिस्ट आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे अभी थोड़ी देर में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी रेयर मूवमेंट फॉर द रिस्ट विच आर ऑलमोस्ट अदरवाइज इम्पॉसिबल टू टेक देम बिकॉज वी डू नॉट यूज आवर रिस्ट टू दैट एक्सटेंट। करिए जल्दी जाइए लेग स्ट्रेचिंग में, बैक को रिलैक्स करना है आपको। संगीता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बार बार पुश करिएगा नीचे आते हुए, टारगेट आपका चिन रहेगी नीचे। मेगा वेल डन, मेगा बैक में पेन नहीं होना चाहिए करते हुए। ओके, हाथों के इशारों से बताओ। सर क्या कह रहे हैं? बैक में पेन नहीं होना चाहिए। ओके सर, करते रहिए। एक अच्छा पुश दीजिएगा, ये आपको आगे आसनों में भी हेल्प करने वाला है। तो गिव योर बेस्ट शॉट। Well done. Abhishek, very good. Beautiful. Gupta ji, karte rahiye unke baad. Sangeeta, well done.
अर्शद वेरी गुड, गुनगुन करते रहो बेटा, बच्चे थाई के ऊपर लेकर करिए आराम से, जल्दबाजी मत करेगा, बैक को रिलैक्स बट ढंग से कर लें। फुल स्ट्रेच लीजिएगा बॉडी में कंप्लीट। हमको कहां घूम रहे हो? उसके बाद साइड स्ट्रेच लेंगे आप। वेल डन सुमेध, साइड ट्विस्ट लीजिएगा, साइड ट्विस्ट सुमेध, वेरी गुड शिवा, शिवा वेल डन, शिवा ब्यूटीफुल, क्या बात है शिवा, वेल डन।
आराम से कंप्लीट करेगा तो ज्यादा वेल डन। वेरी गुड, बहुत ही मजेदार अंकुर, वेल डन। आयुष करते रहो, रुको मत, करिए आराम से। करो करो, जिसको बैक में पेन है वो जीरो गैप लेके पश्चिमोत्तानासन नहीं करेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैक्सिमम गैप लेके लेग्स में लेंगे, जिस तरह से मेघा कर रही है। करिए करिए मेघा, वेल डन, ब्यूटीफुल। अगर बैक में पेन नहीं है तो इस तरह से जीरो गैप रखिएगा, काउंटर पोस्चर दीजिए और उसके बाद रुकिएगा। करते रहिए, वेरी गुड संगीता भंडार, कंप्लीट करिएगा। बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। कृपा कर लिया, कंप्लीट करिए। अंकुर कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, यहीं पे हूँ, बस थोड़ा सा पानी पी रहा था। पी लो, थोड़ा सा नहीं, पूरा पी लो। सर ये जो रेस्ट रूटीन है इसमें बस एक ही रिस्क है, ऐसा लगता है कि अगर कुछ इधर उधर हुआ तो रिस्क टूट ना जाए। नहीं टूटेगी नहीं, आप उतना पेन दे नहीं पाओगे कभी भी। तो सर भला ऐसा लगता है बिल्कुल एज पे आ गए हो। एज पे मत आइए सर, मैं देख रहा था सर एक रिस्ट का है एक और तरीका, थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे है वो, थोड़ा ऐसे करके ये वाला। हाँ दिखाओ दिखाओ, सूक्ष्म स्तर पे दिखाओ जरा एक बार। अब इससे हमारा होगा क्या एक बार बताओ। नहीं सर मतलब इसमें भी स्ट्रेच आता है सर, ऐसा नहीं है मतलब ऐसे सर, चीजों को इतना टफ क्यों बनाना सर, जान निकल जाती है सर इस वाले में रिस्ट पे जो आप कराते हो। अभी आपने खुद बोला ना ये सूक्ष्म प्राणायाम का सूक्ष्म व्यायाम है जो आपने बताया है सर, सूक्ष्म भी थोड़ी होनी चाहिए ना सर। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना हठ योग को फॉलो कर रहे हैं। आपने ये शब्द सुना है ना, बहुत ही हठी है वो बच्चा। हठी क्या होता है? हठ वो होता है जब आप जिद करते हैं अपने शरीर के साथ, और जितने भी डायलॉग आपने सुने हैं ना कि बस उतना ही करिए जितना आपका शरीर, अगर उतना ही करेगा जितना शरीर एक्सेप्ट करे तो रजाई में रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चैलेंज योर लिमिट्स एवरी मोमेंट। जहां पे आराम है, जहां पे कंफर्ट है, उससे तो आगे निकलना है। हम लोग सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड हट योग। अब इस बारे में निशांत कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ निशांत, करो दोस्त करो।
नहीं सर, बस यही बोलना था कि लिमिटलेस पोटेंशियल है बोथ बॉडी एंड माइंड का, और अगर हम नहीं हार्नेस करते हैं तो मतलब हम गलत कर रहे हैं अपने साथ भी, यूनिवर्स के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी। तो एक्सट्रीम तो लेके जाना मतलब वो एसेंशियल है, अगर मतलब वो चाहिए, वो प्लेजर चाहिए, वो निर्वाणा चाहिए, वो स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। वो निर्वाणा तो अभी तो पेन का निर्वाणा हो रहा है। पेन के आगे ही मिलता है, पेन के आगे, पेन आपको बेयर करना होगा, पेन फंडामेंटल एसेंशियल चीज है, आपके एलिमेंट है आपके लाइफ में। देखो मन जी आप कुछ नहीं करते, खुश हो रहे हैं सुन सुन के। तो मंजीत भाई आप भी कुछ ऐड करो। मंजीत भाई का गुरप्रीत भाई को आजकल कुछ बोल नहीं रहे। हमें तो गुरप्रीत जी को देख के निर्वाणा मिल जाता है, तो बाकी तो जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। ओके यार राइट। चलेगा, बस आगे बढ़ना होगा। और हम लोग सीधे धनुरासन लेंगे पहले, और आज उसमें आपकी वही कोशिश जो आपने बहुत दिनों से नहीं की है, जिसमें आपको प्रॉप की भी आवश्यकता पड़ेगी, सिंगल लेग पकड़कर उसको अपने सिर से टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना होगा, क्योंकि बिना एफर्ट के निर्वाणा मिलेगा नहीं। आइए, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि बिना इसके तो नहीं मिलेगा, से भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट कंफर्म, बट दिस इज कंफर्म दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इफ यू डू नॉट स्ट्रेच एलिमेंट्स। चलेगा, पहला जो टारगेट होगा, जिनको नीज में प्रॉब्लम नहीं है, दे विल ट्राई टू डू लाइक दिस। अपनी हील को अपने जमीन से लगाने की कोशिश करिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, इस दौरान आपकी बॉडी इस तरह से करेगी आपको फैसिलिटेट करने के लिए, बट यू वोंट टिल्ट, यू वोंट लीन एनी साइड, यू विल सिंपली बी स्ट्रेट फ्लैट ऑन योर टमी, एंड देन यू आर ट्राइंग टू पुश योर हील डाउन एंड टच द फ्लोर लाइक दिस। दूसरी लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग फॉर बैक, बट यू शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन योर नी। Same way, you try with the other. जिनको नी प्रॉब्लम है या वो महसूस कर रहे हैं कि they should not be trying it, वो सीधा धनुरासन में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही मजेदार ये मूवमेंट है। अब दोनों एक साथ आप लेंगे, इसको हम लोग भित्तासन या इसको भी एक तरह से फ्रॉग पोस्चर बोला जाता है, मेंढक वाला, दोनों एक साथ। ये थोड़ा चैलेंजिंग जो हो जाएगा यहां पर, अब आपकी बॉडी रेडी हो जाती है धनुरासन के लिए। आराम से इस तरह से पकड़िएगा और पूरा बॉडी को ऊपर उठा दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके लेग्स में गैप बनाइएगा, लेग्स को पीछे की ओर पुश करिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। ब्रीथ को रोकेगा नहीं, नॉर्मल रखेगा, चलेगा। Easy going करते हुए आगे बढ़ेंगे, पहले
कि बार आप लोग टिल्ट मूवमेंट शुरू कर देंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो कि आपके एब्डोमिनल मसाज की ओर आपको लेकर जा रहा है. दिस इज वेरी रियर, सो गिव योर बेस्ट शॉट टू इट. करेगा अब आपको एक ही तरफ टिल्ट लेना है. इसको पूरा करने के बाद ध्यान से देख कर लीजिएगा, एक ही तरफ से. अभी तक आपने ये किया अभिषेक, अब आप यही करना जो भी आपने देखा है, जो हम करेंगे ये मत करेगा, भी होगा नहीं. अब एक ही तरफ से टिल्ट लेंगे. संगीता आपको समझेंगे, मेघा अभिषेक आप ही समझते हो. आप वही वाला करो जिससे मैंने बोला ना, भी आप चिकन मत बढ़ो, क्राइम आ जाएगा आपकी बॉडी में. संगीता मेघा एक बार ध्यान से देखिए, अभी आपने क्या किया था. सबसे पहले ये, दिस वाज द रेस्पेक्टिवली व्हेन यू होल्ड योर फीट विद द रेस्पेक्टिव आर्म्स. नाउ एक ही तरफ दोनों हाथ ले आइए. आई ब्रिंग माई लेफ्ट आर्म टुवर्ड्स माई राइट लाइक दिस, आगे से, और आर्म ऑपोजिट फुट एंड लेग कॉम्बिनेशन. सॉरी, आर्म ऑपोजिट फुट एंड आर्म. लेफ्ट फुट इज इन माई राइट हैंड एंड राइट फुट इज इन माई लेफ्ट हैंड. अब यहां से बॉडी को उठाना आपके लिए चैलेंज है. किस तरह से? इस तरह से. ये
सुमेध क्या कर रहे हैं? सुमेध फिर तो मैं मिल गया निर्वाण, अगर ऐसे करोगे तो क्रैम्प आ गया एक्चुअली थोड़ा बैक में। क्या करने के दौरान? वो धनुरासन के बाद जब मैं वापस पोस्चर पे आया तो बहुत दर्द हो रहा था पेट में। लोअर में मतलब मिडिल में या साइड में? लोअर बैक में सर। मिडिल मिडिल लोअर बैक में। सेंटर में? नहीं नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होके दोबारा आगे बढ़ जाओ। ठीक है सर। एथलीट को दर्द ना हो तो ये संभव नहीं है, और जिस एथलीट को दर्द नहीं हो रहा वो ट्रू एथलीट नहीं है। तो इस फ्रेंड ने प्रूव कर दिया है कि आप ट्रू एथलीट हो। ओके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ो, आगे रुको मत। बिंदास अब की बार आतंक मचा देंगे। ये आपके लिए जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं दोनों आर्म से एक ही तरफ से, ये आपके बैक के लिए बहुत हेल्पफुल है। आइडियली हमें घेरंडासन करना होता है अभी, लेकिन उसके लिए आप लोगों की बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट आल्सो, बट अभी एक बार इसमें जरा एफर्ट और डाल दीजिए। दो बार ऐसा करिए और इसका आनंद लीजिए। निरूपा करो, निरूपा बॉडी टर्न करो सीधी फ्लैट, एंड देन पैरों को पीछे की ओर पुश करिए, पैरों को खोलो पीछे की ओर, ऐसे ऐसे रखना। बेशक आतंक हो जाए चारों ओर, हंगामा बरप जाए, बहुत बढ़िया, अभी बेहतर है काफी। वेल डन, रिलैक्स हो जाओ निरूपा। देखिए इस तरह से करेंगे, अभी मानेंगे नहीं, वी विल गिव इट फुल टाइम। बहुत बहुत सुंदर, एफर्ट वेरी गुड मेगा, वेल डन, बहुत बढ़िया एफर्ट। भी मानेंगे नहीं, सुमेध आगे बढ़ो। देखिए ये पोजीशन रहेगी, एक बार फिर देख लें। मेगा अब आपके लिए यहां से ये पीछे लेग खोल दिया, अब जो इसमें भी कंफर्टेबल हो आगे से हाथ निकालेंगे अंदर से। और अब हो गई है बॉडी मजेदार। बाजू बिल्कुल सीधी, इसी को एक बार साइड से भी देखेंगे, क्योंकि कॉमन एरर जो जा रही है वो ये है कि आप अपनी बाजुओं को ओपन नहीं कर रहे हैं, और वो किस वजह से नहीं हो पा रही आपको पता नहीं चल पा रहा है। लेग्स को पीछे की ओर पुश करना है, एंड दैट रिक्वायर्स द स्ट्रेटनिंग ऑफ योर आर्म्स। आप अपने जहन में ये रखिए कि मुझे अपनी बाजुओं को सीधा करना है, एंड दैट इज ऑनली पॉसिबल व्हेन यू पुश योर लेग्स बैकवर्ड एंड अपवर्ड। गुरप्रीत सिमरन वेल डन, एक अंतिम बार इसको ले रहे हैं साइड पोस्चर से देखने के लिए, सो दैट यू आर एबल टू सी द आर्म्स। देखेगा
अभी एफर्ट रुकेगा नहीं, एफर्ट को गुरप्रीत के लेवल में लेके जाना है। अब हमारी सिंगल लेग गुरप्रीत के लेवल में कहां से जाएगा? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? आप आज आज ही सबको निर्वाणा दिलाओगे आप? मैं चलता हूँ सर। बिना निर्वाणा लिए जा रहे हो आप? हाँ सर, मैं तो गुरप्रीत जी का फोटो लगा रखा है, वो तो उनको देख के वैसे ही मिल जाता है हमें। फिर तो ठीक है, ठीक है सर, ऑल राइट, थैंक यू। आप भक्ति से करो निर्वाणा की प्राप्ति, ठीक है सर। हम योग से करेंगे निर्वाणा की प्राप्ति, इसे भक्ति योग कहते हैं जो आप कर रहे हो। थैंक यू सर, ऑल राइट, बाय बाय। करेगा अब गुरप्रीत जी वाला प्रयास करेंगे हम लोग सभी, और ये बहुत बेहतरीन प्रयास होता है, अब इसको करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले बैक को थोड़ा सा रोलिंग करके रिलैक्स कर लेंगे, जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रोल रहेगा और साइडवेज रोल रहेगा, देन वी गो राइट इनटू इट। आइए, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? कहां पे दिक्कत हो रही है? लोअर बैक में। आप अब रहने देना, ठीक है? अब आप ब्रिज पोज भी नहीं, आपको आप मरकट आसन जानते हैं कैसे करते हैं? मरकट नहीं जानते तो ठीक है, एक बार पहले से ज्यादा मरकट आसन देख लेते हैं। आपके लिए आपको गर्दन में भी कल आपने बताई थी ना प्रॉब्लम, इसलिए फॉरवर्ड बेंडिंग रोक रहे हैं आपकी अभी जो रोलिंग है। इस तरह से दोनों आपके नीजों के पैरों में गैप होगा, डीप इनहेल करेगा और डीप एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों घुटने जमीन पर और गर्दन ऑफ द डायरेक्शन, ब्रीथ नॉर्मल, होल्ड। ऐसे कर लीजिएगा 40 सेकेंड्स के लिए, फिर 40 सेकेंड्स के लिए ऐसे गर्दन ऑफ द डायरेक्शन। बाकी आप लोग बोल लीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर दोबारा गुरप्रीत जी वाले स्टाइल में आ जाएंगे। संगीता आइए, सर मुझे साइड रोल लेना है। हाँ, आप हमेशा साइड रोल लेंगी या इस तरह से ना करके पवन मुक्त आसन ये ले सकती हैं, मतलब आपकी गर्दन और कमर जमीन से कभी उठेगी नहीं, ठीक है? करिए, वेल डन। देखिएगा अब आपका जो प्रयास है वो प्रॉप के साथ कुछ ऐसे रहेगा, आप अपने एक पैर में इस तरह से कुछ करेंगे, दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉल का, एंड देन यू विल ट्राई टू, अनुपमा मैडम अब अपनी अपर बॉडी जमीन से लगा दीजिए। हाँ, अब उसको लेके आइए, आई विल शो यू, डोंट वरी। अभी आप प्रयास करते रहिए, देखिए इस तरह का प्रयास होगा संगीता। Everybody is going to give this kind of effort now. और अभिषेक आप इसको भी नहीं करोगे अभी, ठीक है? आप इसके अलावा क्या करने वाले हो? आप ब्रिज पोज जानते हो अभिषेक? ब्रिज सेतु बंधासन, हाँ वो करेंगे। को जानता हूँ, आसन को नहीं जानता। सॉरी, आसन को नहीं जानता मैं, सेतु आसन नहीं जानता मैं। कोई नहीं, देखिए आप ये करेंगे, आई विल शो यू। एक बार मैं अभिषेक को ये बता दूं जो इसको नहीं अटेंड कर रहा है उसके लिए, अभिषेक यू विल डू लाइक दिस नाउ। आप इस तरह से लेटेंगे, पैरों में गैप रखिएगा शोल्डर्स के बराबर, और
डीप इनहेल करते हुए और फिर थोड़ा होल्ड रखिएगा 40 से 50 सेकंड्स के लिए, उसके बाद नीचे आएंगे। ये आपका प्रयास रहेगा, बाकी हम लोग अब ये ट्राई कर रहे हैं। गुरप्रीत लाइफ पे लगाते तो ये आ जाता है। नमस्ते सर। नमस्ते गुरप्रीत, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड, हाई ब्राव। नमस्ते सर, मैं भी जाती हूँ। नमस्ते सुजाता। सर ये प्रॉप वाला बहुत अच्छा है सर एक्सरसाइज। वेरी गुड, करो सर। मैं चलूंगा अभी। बाय बाय। ओके सर, बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड संगीता, ध्यान करो, लेटो मत। दोनों हाथों का इस्तेमाल करो आयुष, बॉडी को बिल्कुल फ्लैट करो जमीन पर एंड देन यू पुश इट टुवर्ड्स योर हैंड। वेरी गुड कनिष्का, वेल डन, ब्यूटिफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक कितनी बार किया है ब्रिज पोज? एक बार नहीं करना दोस्त, 5 से 7 बार। बॉडी को रेडी नहीं करना आगे के लिए। शिवा मैदान, अर्षित, वेरी गुड, करते रहिए, रुके मत। ब्यूटिफुल,
जाओ मान जाओ अभिषेक मान जाओ, कोई फायदा नहीं है, नो बेनिफिट एट ऑल, कोई फायदा नहीं है, अभी नहीं कर पाओगे। अभी जो बोल रहा हूं ब्रिज पोज कर लो, ब्रिज पोज कर लो 7 times, बॉडी आगे से स्ट्रेट रखिए, वेल व्हाइल यू टच और यू ट्राई टू पुश सॉरी पुल योर फुट टुवर्ड्स योर हेड, जस्ट ट्राई टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रंट, को लीन ना करें, वो झुके ना जिस तरफ की आप लेग को पुश कर रहे हैं। दोबारा देखिए, आप इस तरह से पकड़ लेते हैं तो बॉडी स्ट्रेट जाए। शिवा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? Well done. बहुत ही बढ़िया एफर्ट आप सभी के द्वारा, और निरुपा अभी भी उसमें ही लगी हुई। निरुपा बस आप क्या बच्चे की जान लोगी? बोलो शिवा बोलो। ये करने में कभी कभी थाइस में क्रैम्प्स आते हैं। हाँ वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे वो बॉडी की जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेच लेती है ना, इसलिए आता है ऐसा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसीलिए इसको बहुत लास्ट में लेके आते हैं। हाँ वो ठीक हो जाता है फिर, बट वो आते हैं, मतलब वो थोड़े दिनों बाद नहीं आएंगे, डोंट वरी। ओके सर, घबराना नहीं है, एथलीट को क्रैम्प्स आते रहते हैं, क्योंकि एथलीट क्रैम्प बेसिकली क्या है, क्रैम्प बेसिकली है जिस मूवमेंट को आप नहीं लेते हैं उसको लेकर मसल को चैलेंज कर देना, मसल उसको चैलेंज होने पे रेस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट को उसको इनर्शिया की वजह से, और यही हमें क्रैम्प की फॉर्म में मिलता है। डोंट वरी। ओके सर थैंक यू। ऑलराइट बैक को रिलैक्स करना होगा। अब आइएगा, पहले बैक को रिलैक्स करने की कोशिश करिएगा, और उसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले कैट पोज लेकर बैक को रिलैक्स करेंगे, और फिर एक पोस्चर और लेंगे, क्योंकि बैक में जबरदस्त और बैकवर्ड बैंड आ चुका है। आइए पहले कैट पोज ले रहे हैं विदास संहिता, उसके बाद तो साफ निकल जाना, आपका समय हो जाएगा निकलने के लिए। जिनको नेक की समस्या है गर्दन की, वो ये वाला मूवमेंट नहीं लेंगे, बस मेगा अरे इनहेल और एक्सहेल का सहारा लीजिएगा, और मूवमेंट एक फ्लो में लीजिए, रुकने की जरूरत नहीं है। डीप इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे, और एक्सहेल करते हुए अगर गर्दन की समस्या नहीं है तो इस तरह से 5 से 7 बार ले डालिए। वेरी गुड,
बहुत बहुत बढ़िया, 7 बार कर डालिए इसको। मेगा कर लिया। ऑलराइट, एक और ट्विस्ट मूवमेंट दे दीजिए रिलैक्स करने के लिए। अभी इसमें बात नहीं बनेगी। हाथों से बॉडी उठाइएगा पहले, और इस तरह से जितना ज्यादा हो सके अपनी लेग्स को, अपने थाइस को ओवरलैप करने की कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके। आपसे ऐसे बॉडी उठाइए, बिल्कुल पहले बॉडी को उठा लीजिएगा और ये इस तरह से बैठना ही बड़ा रिलैक्सिंग होता है। कोशिश करिए और जब आप इस पोस्चर में आ जाएं, बिल्कुल ये प्रॉपर। अब जो लेग आपकी लोअर, विच इज द लोअर वन, दिस इज माय लेफ्ट, विच इज द लोअर वन, वो आर्म ऊपर से आएगी ऊपर अपने पैर को पकड़ने के लिए, और दूसरी जो आर्म है वो पीछे से घूमकर अपने पैर को पकड़ेंगे आप। ये कोशिश करो आयुष, कनिष्का, अगर साइड देखेंगे आप, डोंट वरी। अभी आपने ये किया, अब पलट डालिए, उठाकर बॉडी को उठा इसलिए रहे ताकि आप ओवरलैप बेहतरीन तरीके से कर पाए। जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना ही अच्छा आगे का मूवमेंट होगा। देखिएगा ओवरलैप हो गया है, बिल्कुल एक अच्छी तरह से ओवरलैप कर लीजिए। और उसके बाद अब दिस टाइम द लोअर लैम्प इज द राइट वन, राइट आर्म ऊपर से, लेफ्ट आर्म पीछे से। जी नमस्ते अनुपम, जी नमस्ते। राइट संगीता, बाय बाय सर, नमस्ते सर, सी यू। कहाँ जा रहे हो अभिषेक? खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया। अभी कहाँ खत्म हुआ? ओके, अभी तो बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है। अभिषेक बड़ी मुश्किल हो रही है सर ये बैठ के क्लास वाला करने में, कैसे कैसे में आने जरूर है। मुश्किल है, मुश्किल है जीवन में। आप जीवन ही कहाँ आसान है, जो ये मुश्किल कहाँ है? जीवन आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। निशान कहाँ जा रहे हो? चलिए खैर, हालांकि शलभ आसन का समय हो गया है, लेकिन फिर भी जैसा कि समय का ऐसी डिमांड कुछ ऐसी हो गई है, अब हमें यहीं पे विराम लेना पड़ेगा। तो आइए उनका उच्चारण लेकर यहीं पर विराम लेते हैं। आइएगा
बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए बैक, ध्यान मुद्रा, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट, यानी इंडेक्स फिंगर एंड थंब टिप टू टिप, डीप इनहेल करिए, चेहरे की मसाज कर डालिए, उसके बाद गर्दन की, थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते करिश्का। नमस्ते शिवा। नमस्ते। मैं कह रहा था सर कि सलाम आसन कर ही सकते थे हम लोग, दो मिनट की बात थी तो अब कर लेते हैं। आओ चलो सर करते हैं। हाँ वो मुझे लगा कि काफी लोग थक गए हैं ना, तो इसलिए ज्यादा ओवर स्ट्रेन नहीं कर सकते। आइए कटा लो, नीचे लगा लो लॉक, डीप इनहेल करते हुए आप
सर मुझे बस वो दो जगह तकलीफ होती है, एक जब भी ये वाला डे रहता है तो मेरे यहाँ पे सर क्रैम्प पड़ता है इस जगह पर, और जब वज्रासन में सर मैं बैठता हूँ तो मुझे राइट नी जो है मेरा उसके इस पोर्शन में बहुत पेन होती है, इस पोर्शन में। हाँ राइट नी, राइट फुट सॉरी एंकल में, राइट वाले एंकल में जब भी मैं वज्रासन या मंडूपासन करता हूँ, इसीलिए मंडूपासन बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पेन होती है। आपको यहाँ पे कभी चोट लगी थी क्या? नहीं कभी नहीं। दोनों ही बॉडी के पार्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो बाय द टाइम हील हो जाएंगे। ये दोनों थोड़े से वीक हैं, बाय चांस यूज नहीं हो पाए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पुश करते रहिए अपने आप को, डोंट वरी। ओके सर। ऑलराइट। ओके सर, थैंक यू। ओके नमस्ते। थैंक यू सर, गुड डे। ऑलराइट, गुड डे, बाय बाय।